देवास में मठ मंदिरों की सुरक्षा एवं ग्राम भूतेश्वर थाना पीपल रावा के महंत के हत्यारों पर कार्यवाही कर गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर दशनाम गोस्वामी समाज ने शुक्रवार को नारेबाजी कर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जिले के ग्राम भूतेश्वर थाना पीपल रावा जिला देवास में स्थित प्राचीन भूतेश्वर मंदिर में श्री मदनपुरी गोस्वामी जो की विगत कई वर्षों से पूजा अर्चना हेतु करते आ रहे थे। मंदिर के नाम से करीबन 48 बीघा जमीन भी है जिस पर मंदिर समिति का अधिकार एवं कब्जा है, परंतु ग्राम के ही कुछ अधर्मी व्यक्तियों ने उपरोक्त जमीन पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा था। उक्त जमीन पर मंदिर समिति की जो भी फसल होती है उसको खराब करने हेतु अपने मवेशी छोड़कर कई सालों से उक्त जमीन की फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता रहा है। दिनांक 21 जुलाई ग्राम भूतेश्वर स्थित मंदिर की सभा मंडप में बकरी के आ जाने पर महंत ने नाराजगी जताई तो 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने महंत एवं उनके परिवार पर डंडों व धारदार हथियार सहित कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जब उन्हें स्वजन बचाने आए तो उनके साथ भी डंडों एवं धारदार हथियारों से मारपीट की जिससे महंत मदनपुरी जी को अत्यधिक गंभीर चोटें आई, परंतु जिला अस्पताल आते आते बीच रास्ते में ही पुजारी मदनपुरी जी की मृत्यु हो गई एवं महंत मदनपुरी जी के पुत्र का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पीपल रावा पुलिस ने 25 लोगों पर नामजद प्रकरण दर्ज किया है जिसमें 4 महिला एवं अन्य ग्रामीण है, परंतु पुलिस द्वारा हथियारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दशनाम गोस्वामी समाज शिव पूजक है एवं शिव मंदिरों की पूजा अर्चना एवं मंदिर की जमीनी से ही अपना जीवन यापन करते हैं, परंतु इस प्रकार से यदि अधर्मी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त मंदिर समिति की जमीन पर अवैधानिक रूप से कब्जा किया जाएगा तो मठ मंदिरों के पुजारी एवं उनके परिवारों के जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। जिन मंदिरों पर दशनाम गोस्वामी समाज के पुजारी अन्य महंत एवं उनके परिवार और मंदिरों की सुरक्षा के उचित प्रबंध किए गए जाए। दशनाम गोस्वामी समाज ने मांग की है कि ग्राम भूतेश्वर में हुई महंत के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, साथ ही मृतक महंत जी के परिवार के सदस्यों की जान माल की सुरक्षा की जाकर मंदिर की पूजा अर्चना की जिम्मेदारी मृतक महंत के परिवार को सौंपी जाए। इस दौरान नारायण गिरी गोस्वामी, जुगनू गोस्वामी, अनिल गोस्वामी, नितिन गिरी गोस्वामी, अभिषेक गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। ये हुआ था सर जी के हमारे मेरे पिताजी मदनपुरी गोस्वामी जी सर भूतनाथ भूतेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी है सर, और वो वहाँ के सर साफ सफाई भी करते हैं, सब संगीत पुजारी सही साफ तरीक़ा से करते हैं सर जी। तो वहाँ पर गुजर समाज के हमारे गांव के मंदिर के आसपास अतिक्रमण कर रखा है, वो सब ढोर और बकरी मंदिर के ऊपर चढ़ा रहे थे, तो मेरे पिताजी ने बोला कि ये बकरियों को यहाँ पे गंदगी ना। अच्छा, वो कौन से समाज के लोग थे? गुजर समाज के। हाँ, गंदगी ना फैलाई जाए, यहाँ पर मंदिर है तो मंदिर में कौन झाड़ू बार बार काटेगा, इसके लिए उन्होंने मना किया तो मेरे पिताजी पर डायरेक्ट हमला किया वहाँ। क्या मांग करते हैं 25 अब आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि हमको उनको पापियों को बस सजा चाहिए, हमको सजा फांसी की मिलनी चाहिए उनको। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पुजारी अगले बार कोई पुजारी पर ऐसा हमला नहीं करे और किसी पुजारी को मौत से मरना नहीं पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेशपुरी गोस्वामी। और आपके साथ और कौन कौन लोग घायल हुए हैं? मेरे साथ 4 व्यक्ति और घायल हुए हैं। क्या नाम है उनके? कन्हैयापुरी गोस्वामी मेरा भाई है, जितेंद्रपुरी गोस्वामी मेरे बड़े भाई है, वो मेरे हरिमपुरी गोस्वामी मेरे अंकल जी है सर, और मेरे पिताजी तो सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है। हमारा भूतेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी मदनपुरी जी की कल रात को विशेष समुदाय द्वारा दिन में भूतेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर अपना त्रिपाल्या के पास पीपल रावा थाना अंतर्गत क्षेत्र में आता है, वहाँ पर कल 25 से 30 लोगों द्वारा सामूहिक रूप से हमला कर वहाँ के पुजारी जो वर्षों से हैं मदनपुरी जी उनकी हत्या कर दी गई, और उनके बीच बचाव में आने वाले उनके पारिवारिक सदस्यों की बेरहमी से पिटाई की गई। 2 लोग एडमिट है और 2 लोग अभी यहाँ घटनास्थल यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के समय उपस्थित है। कलेक्टर साहब से हमने ये निवेदन करा है क्या वहाँ पे हमारे गोस्वामी समाज के पुजारी परिवार के 5 से 7 ही घर हैं, बाकी जो आसपास के 4 गांव हैं वह दूसरे समाज के हैं, और उन समाजों द्वारा आए दिन मंदिर की ज़मीन पर जो मंदिर की ज़मीन 48 बीघा उस पर कब्जा करने का प्रयास करते रहते हैं। ऑलरेडी 20 बीघा पे वो पहले से कब्जा कर चुके हैं
और मंदिर के आसपास की जगह पर भी वो कब्जे की नीयत से रोज इन पुजारी परिवार को परेशान करते रहते हैं। मंदिरों में जानवरों को छोड़ देते हैं, मंदिरों की सफाई खराब कर देते हैं और आसपास की जगह जहाँ नाव रखी रहती वहाँ पे भी वो व्यवधान उत्पन्न करते हैं। और उसी के तारतम्य में जब इन सब चीज़ों से पुजारी परिवार और हमारा गोस्वामी परिवार नहीं डरा तो उन्होंने ये आखिरी साजिश कर अंजाम दिया। हमारे मदनपुरी पुजारी जो थे उन पर लोहे की राड, अच्छा, पुलिस ने इसमें और लठों से हमला कर उनको मार डाला। पुलिस ने इसमें कुछ आरोपियों को भी गिरफ्तार कराया। बालोन थाने पर हमारे 25 हमारे जो भाई उन जो बचे हैं उनके हमले से प्रत्यक्षदर्शियों अनुसार 25 लोगों की नामजद रिपोर्ट की गई है। अभी तक जो है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग सब फरार है। हमने कलेक्टर साहब से बोला है कि वो सब आदतन अपराधी है, काम ही उनका आतंक फैलाना है और हम सब लोग पुजारी लोग हैं तो हमको सुरक्षा दी जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, ऐसी विवेचना कर आवेदन दिया गया। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।